हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुमताज क्रिएशन। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक लाइन की डिजाइनिंग, कि हम नेक लाइन इजीली कैसे कट करते हैं और उनको कपड़े पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं इससे भी पहले मैं कई वीडियो आपके लिए डाल चुकी हूँ नेक लाइन में और आपने बहुत पसंद की है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नेक लाइन की कुछ कटिंग्स। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बुकरम ना लेके एक पेपर लिया है जिसके ऊपर मैं आपको ये कटिंग बताऊंगी। और अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज डायरेक्ट बुकरम पर अप्लाई ना करें, क्योंकि कई बार हमारी बुकरम हमारी कटिंग गलत होने की वजह से हमारी बुकरम वेस्ट हो जाती है। तो हम ये करेंगे पेपर पर कटिंग। तो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से मैंने ऐसे करके ये फोल्ड लिया हुआ है, तरह से ये हमने फोल्ड किया है। तो आप ये जो इस यहाँ पर ये जो चौड़ाई लेंगे तो वो आप लेंगे 5 इंच। यहाँ पर 5 में अगर आपकी बुकरम थोड़ी कम है तो आप इसको 4.5 यानी कि 4.5 भी आप इसको ले सकते हैं। स्टैंडर्ड ग्रे की जो माप होती है वो 6 इंच होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी छोटा नेक पहनते हैं तो आप उसको 5 भी रख सकते हैं, वरना आप उसको 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 6 इंच की चौड़ाई में के माप में मैं आपको गला बताऊंगी। तो 6 के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3, क्योंकि ये है हमारा फोल्ड हुआ हुआ है, तो यहाँ पर हम इसके हाफ के लिए निशान लगाएंगे। तो ये लगाया हमने 3 पे डॉट। थोड़ा सा नीचे आने के बाद स्ट्रेट लाइन लेने के लिए एक 3 पे डॉट हम और दे देंगे और लेंथ लेंगे हम फ्रेंड 7 इंच। आप चाहें तो थोड़ा छोटा गला पहनते हैं तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं। 6 इंच से आप कम मत लीजिएगा, क्योंकि फिर वो नेक छोटा हो जाता है और वो गले में ऊपर की ओर को जाता है, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है। सो इसलिए आप इसको 7 इंच लीजिए। ये हमने यहाँ पर ये 7 इंच लिया है। 7 इंच पे हम एक यहाँ डॉट देंगे और इससे हम इसको मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये बॉक्स हमारा बनकर तैयार है। ये बॉक्स हम कोई भी नेकलाइन जब बनाएं तो ये बॉक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी डिजाइनिंग होगी इस बॉक्स के अंदर ही होगी। अगर हम इस बॉक्स के अंदर की डिजाइनिंग से कटिंग करेंगे तो कभी भी हमारा गला बड़ा या छोटा नहीं होगा। अब आते हैं इसकी डिजाइनिंग के बारे में। तो जब कभी भी हमें इसका कुछ डिजाइन ड्रॉ करना हो तो ये वाला जो हमारा 7 इंच है हम इसका करेंगे हाफ, यानी कि ये आता है हमारा 3.5 और इधर से भी आता है ये 3.5। इसमें एक यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लाइन देंगे जिसको हम कटिंग नहीं करेंगे, जस्ट हम आईडी के लिए हमने यहाँ एक ये लाइन दी है। अब करेंगे हम इसमें डिजाइन ड्रॉ। तो आपको जिस तरह का भी डिजाइन पसंद हो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। हम जो इसमें ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ पर सिलाई में आ जाता है, लगभग 1/2 इंच। और उसके बाद आप इसको बहुत ही लाइट शेड से आप इसको शेप देंगे। आप ये वाला जो कर्व है आप धीरे धीरे इस तरह यहां से लाइए और इसको हम यहां से गोलाई दे देंगे। पहले आप ये बिल्कुल लाइट लाइट बना लीजिए। ये देखिए, इसको हम हल्का सा ऊपर की साइड लेके जाएंगे और यहां से एक लीव की शेप देंगे। ये देखिए, ये लाइट है तो शायद आपको वीडियो में शो ना हो रहा हो, तो मैं इसको डार्क कर देती हूं। ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से ये हमारा ये ड्रॉ हो गया।
अब हम इसके ये जो ये है हमारा इसी बॉक्स के अंदर है। अब जो हमारी कितनी चौड़ी हम पट्टी चाहते हैं हम उस पर निशान लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ से लेंगे 1 इंच की पट्टी, आप 1 इंच से कम भी ले सकते हैं, इस तरह से आप, क्योंकि इसमें जगह जगह शेप है इसलिए आप इस तरह से ये जगह जगह से आप इसके डॉट दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमने इसकी शेप दे दी है, ये देखिए फ्रेंड इसके हमने ये शेप दे दी है। आइए अब करते हैं इसकी कटिंग। तो जब हम नेकलाइन की कटिंग करते हैं तो हम स्टार्टिंग में आप ये वाली कटिंग मत कीजिए, आप पहले ही बाहर वाली कटिंग कीजिए। कितना एक्यूरेट हमारी ये डिजाइन आया है फ्रेंड्स, ये देखिए। अगर हमारा माप सही होगा तो हमारी नेकलाइन में कभी भी कोई फॉल्ट नहीं होगा, इसलिए जब भी हम कोई भी नेकलाइन बनाएं तो उसका जब हम वो बॉक्स बनाएं तो उस बॉक्स पे स्पेशली ध्यान दें। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ एक और डिजाइन, ये देखिए। ये मेरे पास एक पेपर है, इधर से ये अनफोल्ड है, ये फोल्ड है इधर से, इस पे भी हम उसी तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। देख फ्रेंड ये भी वही साइज का बॉक्स है, ये हमने यहाँ से लिया है 7 और ये लिया है हमने 3। तो आप इस तरह के बॉक्स बनाइए पहले, सबसे पहले उसी में आप ये डिजाइनिंग करिए, तो आपके कभी भी ना ही कंधे गिरेंगे और ना ही आपका कभी गला आगे को ढलकेगा। तो आप इसी नाप से गले बनाइए। इसमें देंगे हम एक गले की शेप, ये ले ली हमने इसमें गोल गले की शेप, मैं डार्क कर देती हूँ। अब अगर हमें यहाँ पर लूपी वाला नेक बनाना है तो हमारी यहाँ पे अक्सर जब हम जो कट लगाते हैं कपड़े में उसमें फिनिशिंग नहीं आती, तो इसलिए हमें उसे पहले बुकरम पर अप्लाई कर लेना चाहिए। तो ये हम जो कट रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हम 6 इंच का रख रहे हैं, यहाँ से जहाँ पर हमारा ये बॉक्स खत्म हुआ और ये यहाँ पर ये 6 इंच। तो आप इसमें बिल्कुल बारीक सी लाइन, मतलब एक हल्की सी आप ये लाइन देंगे, कि आपको थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ तो आपको ये इजीली शो होगी। ये हम यहाँ से इसको नेक लाइन को कट करेंगे और ये यहाँ पर हम इसको इस तरह से उतार देंगे, देखिए। और इसकी यहाँ पर इसी तरह से हम ये चौड़ाई का भी निशान लगाएंगे, जैसे कि हम 1-1 इंच पे लगाते हैं ये। देखिए फ्रेंड ये हमने निशान लगा लिया है यहाँ पर, आइए अब करते हैं हम इसकी कटिंग।
ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमने इसकी इसमें शायद वीडियो में मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ ताकि पूरी तरह से आपको शो हो। इस तरह से हम यहाँ पर ये लूपी वाले भी लूपियां इसमें सेट करके जितना भी हमें यहाँ से नेक खोलना हम वो खोल सकते हैं, बाकी को हम यहाँ बंद कर सकते हैं। तो हम ये डिजाइन यहाँ पर हम ये डिजाइनर नेक बना सकते हैं। और उससे ये वाली जो हमारी पट्टी होती है बुकरम की हेल्प से, ये बहुत ही फिनिशिंग से आती है। तो फ्रेंड ये हो गए हैं हमारे दो डिजाइन, बहुत ही मैंने आपको इजी मेथड से ये बता दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये तरीका। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप और किस तरह के डिजाइन चाहते हैं, तो मैं आपके लिए उसी तरह के डिजाइन लाऊंगी। आने वाली वीडियो आप सभी बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।